subscribe Quick News, press the bell icon and never miss an update. कृषि कानून के मसले पर किसानों और सरकार के बीच आज फिर एक बार बातचीत हुई। पिछली चर्चा में सरकार दो मुद्दों पर मान गई थी, लेकिन दो मुद्दों पर मंथन जारी है। सरकार के साथ बातचीत करने पहुंचे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने लंच के लिए आज भी लंगर से मंगवाया खाना नहीं खाया और साथ ही बाहर बैठे मीडिया कर्मियों को भी लंगर खिलाया। वहीं सूत्रों के मुताबिक किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश से कहा कि आज हम आपके साथ खाना नहीं खाएंगे, आप अपना खाना खाइए और हम अपना खाना खाएंगे। खीर भी है और हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। लंगर जो है ये किसी की जात धर्म बड़ा छोटा नहीं देखता, हमारे लिए सब बराबर है। पर हम उम्मीद करते हैं कि जो जो भी इस लंगर को शकेगा, जो जो भी इस लंगर को खाएगा, उसको परमात्मा सुबुद्धि देंगे और वो एक अच्छी भावना से अपने फैसले लेंगे। हम सरकार से भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी फैसला लेंगे और ऐसा फैसला जिससे किसान खुश होकर अपने घरों पर वापस जाए। उम्मीद है कि आज के आपके जो खीर लाया है मीठा सरकार और किसानों के बीच में थोड़ा सा कड़वाहट था वो अब दूर होगा इस खीर को चखने के बाद। जी, हम तो हमेशा उम्मीद करते हैं, हम तो चाहते हैं कि कड़वाहट खत्म हो और कड़वाहट अच्छा रंग लेके आए, कि कड़वाहट खत्म हो और ये माहौल अच्छा रंग लाए और इसका मसला हल। मैं आपको बता दें, बैठक के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि बिल के एक एक प्रावधान पर चर्चा कर लिया जाए। किसान नेताओं को सरकार ने एक बार फिर कहा कि कृषि कानूनों में जो 46वीं दिक्कत है उनको दूर करेंगे, लेकिन उसके लिए चर्चा की जरूरत है। सरकार की तरफ से आज भी बैठक के दौरान तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा क्या विकल्प हो सकता है एक बार फिर से ये बताने को कहा गया। किसान संगठन के सूत्रों के मुताबिक सरकार अभी भी अपने पहले वाले रुख पर अड़ी हुई है, जबकि किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।